हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ नई वीडियो में। तो कैसे दोस्तों आप लोग, आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को ब्लूटूथ स्पीकर रिपेयर करने के बारे में बताएंगे कि किस तरह से आप लोग अपने घर पर ब्लूटूथ स्पीकर को रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये ब्लूटूथ स्पीकर आप देख सकते हो, ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है, इसके अंदर ये ब्लूटूथ कार्ड लगा हुआ है। तो अगर आपके पास इस टाइप का कोई ब्लूटूथ स्पीकर हो जिसके अंदर ऐसा कार्ड लगाओ, तो उसको आप लोग अपने घर पर किस तरह से रिपेयर कर सकते हो वो आपको इस वीडियो बताने वाला दोस्तों। तो इसके अंदर क्या कमी है कि इसका स्क्रोलर होता है ये वाला, जिससे हम गाने आगे पीछे करते हैं या फिर गाने को पोस्ट करते हैं, तो ये हमारा खराब हो चुका है, ये हमारा बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर आपके स्पीकर में कभी ऐसी समस्या आ जाए जिसके अंदर स्क्रोलर काम करना बंद कर दे, तो उसको आप लोग अपने घर पर किस तरह से रिपेयर कर सकते हो वही आपको इस वीडियो बताने वाला दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग इसे ऑन करके आपको चेक कराते हैं कि किस तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसे ऑन करते हैं और आपको अपने फोन में कनेक्ट करके आपको चेक करा के दिखाते हैं। पहले इसे ऑन कर लेते हैं यहाँ से, तो देखते हैं ऑन हो चुका है। ये हमारे फोन में कनेक्ट हो चुका है। आपके सॉन्ग चलाते हैं हम इसमें, देख सकते हो एक म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ। ये हमने वॉल्यूम इसका कम कर दिया, तो दोस्तों अब इस स्क्रोलर को हम चेक करते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख सकते हो जैसे हम पॉज करते हैं, नॉर्मली जो ब्लूटूथ स्पीकर होता है उसके अंदर पॉज होता है, बिल्कुल वर्क करता है हमारे फोन से, और ना इसमें गाना आगे पीछे हो रहा है, देख सकते हो ये बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रहा। तो देख सकते दोस्तों बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है स्क्रोलर हमारा। तो अगर आपके ब्लूटूथ स्पीकर में कभी स्क्रोलर खराब हो जाए, तो उसको आप लोग किस तरह सही कर सकते हो वो आपको इस वीडियो में बताते हैं हम। तो सबसे पहले ये करते हैं, इसे खोल लेते हैं और खोल के आप लोग इसके अंदर कनेक्शन दिखाते हैं। इसे ऑफ कर लिया हमने, तो मोबाइल साइड करके ऐसे खोलते हैं। तो जल्दी से इस किट को हम बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों देख सकते हो हमने इस कार्ड को बाहर निकाल लिया है। तो अब आप लोग एक बार फिर से चेक करा के दिखाते हैं कि किस तरह से वर्क करता है ये। तो ये हमारा स्क्रोलर देख सकते हो, आपको इस टाइप की एक चिमटी ले लेनी है, इस टाइप की, जिससे कि हम स्क्रोलर चेक कर सकें। तो आपको इस टाइप की चिमटी ले लेनी है। इसे ऑन करते हैं, देख सकते हो ऑन हो चुका है। वेलकम टू आइस फिनिक्स म्यूजिक वर्ल्ड ब्लूटूथ मोड। ये हमारे फोन से भी कनेक्ट हो चुका है। अब इसको म्यूजिक प्ले करके आपको इसे चेक करा के दिखाते हैं कि फिर से अंदर से कि अंदर से कनेक्शन किस तरह से हो रहे हैं। तो देखते हो दोस्तों मैंने म्यूजिक प्ले कर लिया, देखते हो म्यूजिक चल रहा है। तो दोस्तों इसकी कनेक्शन किस तरह से हो रहे हैं पहले आप लोग ये समझ लीजिए। बीच में आप लोगों को तीन छोटी छोटी पिन से दिखाई दे रही है, ये वाले एक दो तीन, ये छोटी छोटी पिन जो है ये इसके बटन्स के पिन है, और ये साइड में यहाँ पे एक पिन होती है और एक यहाँ पे एक पिन होती है। ये दो पिन जो होती है ये साइड में ग्राउंड की होती है, एक इस जगह पे होती है और एक इस जगह पे होती है। ये दो पिन होती है ग्राउंड की, और तीन जो बीच में पिन है ये है बटन की पिन। बीच वाली ये बटन की पिन है, ये है पोज की और मोड की, और साइड में दो पिन है ये गाने को आगे पीछे या फिर वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए होती है। तो ये आपको कृष्ण से समझ में आ चुका होगा शायद कि ये बीच वाली जो पिन है वो है बटन की, और साइड में जो पिन है वो है ग्राउंड की। ग्राउंड आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन ये बीच की जो पिन है ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ यहीं मिल सकती है। तो ग्राउंड आप कहीं से भी ले सकते हो, और बीच की पिन से हम आपको चेक करा के दिखाते हैं। एक हिस्सा आपको चिमटे के यहाँ रख लेना, और एक हिस्से से आप लोगों को बटन पर टच करना है ये बीच वाले पे। तो एक बार आपको बटन चेक करा देते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि अंदर से प्रिंट भी खराब आता है, जिसकी वजह से हमारा स्क्रोलर काम नहीं करता है। तो देख सकते हो यहाँ पे म्यूजिक लगा हुआ है। अब आपको एक बार चेक कराता हूँ म्यूजिक फोन से प्ले करके, और फिर आपको बटन चेक कराता हूँ। तो देखते हो फोन से हमने प्ले कर लिया म्यूजिक को, देखते हो फोन से हमने म्यूजिक प्ले कर लिया। अब आपको बटन चेक कराते हैं। तो आपको जो चिमटे होते हैं इसके एक पिन आपको यहाँ पर रख लेनी है इसके ऊपर, देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल बटन को सही से काम कर रहा है, और म्यूजिक आगे पीछे हो जाएगा, देख सकते हो म्यूजिक चेंज हो चुका है। देख सकते हो म्यूजिक फिर से चेंज हो चुका है। देख सकते हो दोस्तों मतलब कि हमारा बटन की प्रिंट है
वो बिल्कुल सही से वर्क कर रहे हैं, उसमें कमी नहीं है, मतलब हमारा स्क्रोलर जो है अंदर से खराब हो चुका है। तो आप स्क्रोलर को आप किस तरह सही कर सकते हो वो आपको दिखाते हैं। तो इसको सबसे पहले बंद कर लेते हैं और आपको आगे की चीज़ दिखाता हूँ मैं। तो साइड कर लिया हमने, तो आपको मार्केट से इस टाइप का बटन ले लेने हैं, ये छोटे छोटे बटन देख सकते हो, ये इस टाइप का बटन ले लेने हैं आपको, इस टाइप को तीन बटन आपको ले लेने हैं। और उनके लेग को सीधा करने के बाद इसके अंदर देख सकते हो आप चार लेग देखने को मिलते हैं, दो इस तरफ लेग देखने को मिल रहे हैं और दो इस तरफ है। तो आपको करना है इसमें से एक एक लेग को काट देना, एक इस तरफ का लेग काट देना आपको और एक इस तरफ का लेग आपको काट देना, इस टाइप का आपको लेग काट लेना है, देख सकते हो शेप का लेग आपको काट लेना है। ऐसे आपको तीनों को लेग को काट लेने हैं तीनों बटनों के। उसके बाद आपको करना है आपको इस टाइप की एक प्लेट ले लेनी है, प्लास्टिक की छोटी सी इस टाइप की प्लेट ले लेनी है और उनके ऊपर आपको बटन को चिपका लेना है। जैसे कि मैंने देख सकते हो ये बटन चिपका रखे हैं, इस टाइप को बटन चिपका लेने हैं आपको, ये मैंने पहले ही चिपका लिया जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इस टाइप का आपको देख सकते हो आप, जैसे एक एक लेग कट के काट रखे मैंने, जैसे इसमें काटे हैं उसी हिसाब से एक एक लेग काटने के बाद हमने ये बटन LP की मदद से इसके अंदर चिपका दिए हैं। तो अब आप कनेक्शन किस तरह से करने आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो ये लेग जो है इसमें करना आपको, इस एक साइड का ही लेग है, इसमें आपको पूरे सब में जम्फा लगा देना है। तो इसकी तार की हेल्प से एक जम्फा लगा लेते हैं इसमें। तो दोस्तों देख सकते हो इस तरह से आपको इसमें जम्फा लगा लेना है एक तरफ के लेग में सब में। और आपको फिर वायर ले जाना, रंगीन तार ले सकते हो, नहीं तो आप वाइट तार भी ले सकते हो। तो मैंने इसको आपको समझाने के लिए रंगीन तार ले लिया जिससे कि आपको समझ में सही से आ सके। तो इस टाइप का आपको तार ले लेना है चार कलर में, और एक तार को आपको लगा लेना है, एक आप ध्यान रखिएगा ये ग्राउंड है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था इसके अंदर, ये इसमें आपको दिखाता हूँ फिर से, जैसे मैंने बताया था ये वाला ग्राउंड है और ये तीन जो तीन के बीच की पिन है ये आपकी बटन्स की पिन है। इसी तरीके से हम एक तार ग्राउंड में लगाएंगे जो कि ये वाला ग्राउंड है, इसमें ये वाला ग्राउंड है और ये तीन जो पिन है इधर की तरफ की, एक दो तीन, ये तीन जो पिन है इसमें हम तीन तार लगाने वाले हैं, जो कि तीन तार हमारी इसमें कनेक्शन होंगी, ये वाली है जो कि इसमें पिन तीन में तार लगाएंगे वो तीन तार हमारे यहाँ जाएंगे और जो हम इसमें तार लगाएंगे वो इसमें यहाँ से किसी भी ग्राउंड में आप लगा सकते हो। तो ये कनेक्शन करके दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हो दोस्तों इसकी कनेक्शन कर लिया, ये बीच के तीन तार हैं हमने इसमें लगा दिया, ऑरेंज वाला मैंने ग्राउंड में लगा दिया है। तो इस टाइप से इसके कनेक्शन कर लेने हैं, आप देख सकते हो कनेक्शन एक बार फिर से इस टाइप से कनेक्शन आपको कर लेने हैं। उसके बाद हमारे इसके कनेक्शन कौन सा थे, हमारा ऑरेंज वाला ग्राउंड था और ये तीन तार जो थे ये बटन के तार हैं हमारे। तो इस तरीके से आपको इसमें कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो देख सकते दोस्तों हमने इसके कनेक्शन भी कर लिए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कनेक्शन, जो कि हमारा ऑरेंज वाला था वो ग्राउंड था जो कि हमने इस प्लेट से के ऊपर लगा दिया क्योंकि ये ग्राउंड थी, और जो बीच में तीन तार हमने निकाले थे जो कि बटनों के अंदर तीन तार लगे, ग्रीन येलो ब्लू, ये तीन तार हमने बटन्स वाले पिन पर लगा लिया, देख सकते हो इस टाइप से ये तीन तार बटन्स वाले और ये ग्राउंड वाला, इस तरीके से आपको कनेक्शन कर लेने, इस टाइप का बटन बनाने के बाद आपको इस टाइप का कनेक्शन कर लेने इसके अंदर। तो दोस्तों अब आप लोगों के बटन चेक करा के दिखाते हैं कि बटन हमारे सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसे ऑन कर लेते हैं हम, इसे ऑन कर लिया। वेलकम टू आइसोनिक्स म्यूजिक वर्ल्ड, ब्लूटूथ मोड। तो इसे कोई म्यूजिक प्ले कर लेते हैं हम। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था बीच वाला जो बटन है, मतलब बीच वाली पिन है वो पॉज की है और साइड में दो पिन है वो आपको गाने के आगे पीछे करने के काम आती है। तो इसी तरीके से जो बीच वाला बटन होगा वो पोज का होगा और साइड में जो बटन है ये गाने को आगे पीछे करने के काम आएंगे। तो बीच वाला बटन पोज का है तो इसे क्लिक करके देखते हैं कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देख सो दोस्तों ये भी को सही से वर्क कर रहा है बीच वाला बटन, और अब गाने को आगे पीछे करके देखते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों हमारे बटन को सही से काम कर रहे हैं और हमारे गाने आगे पीछे भी हो रहे हैं और गाने पॉज भी हो रहे हैं, तो मतलब हमारे बटन है वो सही से बिल्कुल वर्क कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को बटन बना लेने हैं अपने घर पे, और ये बटन आपको काफी कम पैसा बन जाएंगे, 20-30 रुपए में आपके बटन बन जाएंगे,
10 रुपये के अंदर आपको बटन मिल जाएंगे और 10 रुपये के आसपास आपको तार मिल जाएगी और 5 रुपये आपको एलपी मिल जाएगी। तो आप 25 रुपये के अंदर ये बटन बना सकते हो अपने घर पे काफी आसानी से। और इस बटन को बनाने के बाद आपको इस तरह से कनेक्शन कर लेना, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इस तरह से कनेक्शन करने के बाद आप इस बटन की हेल्प से अपने स्क्रोलर होता है आपके ब्लूटूथ कार्ड का, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आपको सही समझ में आ गया इस वीडियो के अंदर किस तरह से आपको अपने ब्लूटूथ स्पीकर का स्क्रोलर को सही करना है। दोस्तों मैंने इसको फिट कर लिया सही से, इसका कार्ड फिक्स कर लिया और जो हमने बटन बनाए थे वही मैंने साइड में इसका लगा लिया है। तो इस टाइप से आप लोगों को बटन कहीं भी सेट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जहां पे आपको स्पेस सही लगे वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग बटन को सेट कर सकते हो अपने ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर। तो देखते हो इनको फिट कर लिया सही से। तो अब आपको एक बार ऑन करके चेक करा कर दिखाता हूँ कि बटन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसे ऑन कर लिए देख सकते हो। वेलकम टू आइसोनिक्स म्यूजिक वर्ल्ड ब्लूटूथ मोड। आप इसी बीच का बटन दबाते हैं FM मोड, देख सकते हो सही से वर्क कर रहा है। AUX मोड देख सकते हो। ब्लूटूथ मोड FM मोड देख सकते हो। FM मोड चल रहा है, देखो वॉल्यूम कम हो रहा है और ये वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, देख सकते हो रिपोर्ट, देख सकते हो सही से वर्क कर रहा है हमारा स्पीकर ये। तो इसके आपसे आप लोग अपने घर पे अगर आपके ब्लूटूथ स्पीकर में स्क्रोलर की प्रॉब्लम आ जाए तो वहां पे आप लोग बटन लगा के भी इसको सही कर सकते हो दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो सही समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपको अपने ब्लूटूथ स्पीकर में स्क्रोलर को ठीक करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि आगे हम जब भी वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल सके दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख के वो जान सके कि किस तरह से वो लोग अपने ब्लूटूथ स्पीकर को अपने घर पर सही कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्द लेकर आता हूं आपके लिए नई वीडियो, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।